नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नजर न्यूज़ का लाइव स्ट्रीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक युवक की गोली लगने से मौत हुई है और उस मौत का जो मामला है उसकी पुष्टि करने के लिए यहाँ पर बैनास पुलिस की टीम पूरी पहुंची हुई है और उनसे थोड़ी देर के बाद हम प्रयास करेंगे कि क्या ये पूरा माजरा था और किस प्रकार जो है युवक की गोली लगने से मौत हुई। तो यहाँ पर जो है पूरे परिवार में सुनसानी छाई हुई है। हालांकि अब हम परिवार जनों से इस वक्त बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि दुख में दुख की घड़ियां होती हैं जिस वक्त ये परिवार चल रहा है। बनिया गांव में मौजूद हूं और वैजनाथ उपमंडल के अंतर्गत आता है। यहां पर जो है गांव वासी भी पूरे यहां पर पहुंचे हुए हैं और जो इनके परिवारजन भी वो पहुंचे हुए हैं। परिवारजनों से हम इस वक्त बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इस समय दुखी स्थितियों में है और जो है जब ये मामला हुआ तब जो सूत्रों के वाले से हमें पता लगा है कि उसका दोस्त उसके साथ मौजूद था और जो युवक है वो इंडियन आर्मी में था। 19 और 20 साल की उम्र में वो भर्ती हो गया था। हालांकि अभी 4-5 साल का ही समय हुआ था, उसके बाद उसकी गोली लगने से मौत हो पाने का कारण अभी पता नहीं चला है। हम इसके बारे में भी आपको पुष्टि करवाएंगे। और ये जो हमें सूत्रों के बारे से बताया जा रहा है कि ये जो घटना है सुबह 7 बजे की है, 7 या 7:30 बजे की ये घटना है जब युवक को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। अभी जो है युवक की जो डेड बॉडी है वो टांडा हॉस्पिटल में है, जो उसका पोस्टमार्टम होगा उसके बाद ही उस युवक की जो सूत्रों का पता लग पाएगा। अभी पुलिस बैनास पुलिस प्रशासन जो है SHO OP ठाकुर जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मामले की पूरी पुष्टि कर रहे हैं और जो पूरा माजरा है उसको जानने के लिए जुड़े नजर न्यूज के साथ थोड़ी देर के बाद लाइव के माध्यम से हम यहाँ के प्रधान और जो है पुलिस प्रशासन से भी बात करने का प्रयास करेंगे। और बैजनाथ बनिया क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर जो है इस घर में और घर के बाहर की ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं चैनल के माध्यम से। युवक का जहाँ पर गोली लगी थी उसका कमरा ये सामने जो दिखाई दे रहा है, गाड़ी के पीछे ये कमरा था जहाँ पर ये सब जो है मामला हुआ है। अभी जो है पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो कमरे के अंदर है और मामलों की पुष्टि कर रही है। और जो सूत्रों के वाले से हमें जो खबर मिल रही है और जो लोगों का कहना है कि जो युवक की गोली लगने से हत्या हुई है, तो मुख्य प्रश्न तो ये है कि जो बंदूक है वो आई कहाँ से और किस प्रकार से ये गोली लगी। अभी इसके इन सब मामलों में हम पुष्टि नहीं करते हैं कि पुलिस प्रशासन इसके बारे में बताएगा। अभी थोड़ी देर के बाद लाइव जुड़े और हम बात करने का पूरा प्रयास करेंगे पंचायत प्रतिनिधि प्रधान उप प्रधान के साथ और जो पुलिस प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची हुई है सूत्रों को छानबीन के लिए, उसके बाद ही हम पूरी खबर की पुष्टि कर पाएंगे। और अभी फिलहाल जो है परिवार के लिए दुख की घड़ियां हैं। परिवार के जन यहां पर उपस्थित हैं, उसके माता पिता भी उपस्थित हैं अंदर और जो अन्य परिवार के जन होते हैं, रिश्तेदार नाते होते हैं, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। और परिवारजनों से इस वक्त तो हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि दुख की घड़ियां होती है। अभी थोड़ी देर के बाद जुड़े और पूरे मामले की पुष्टि हम करवाएंगे आपको क्योंकि बैनास पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंची हुई है, मामलों की पुष्टि कर रही है और पूरा माजरा क्या है हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाएंगे कि पूरा माजरा क्या था। जुड़े रहे नजर न्यूज के साथ, थोड़ी देर के बाद लाइव मिलते हैं।